Good evening, students. Students, this is online maths class for class 8. And today we will discuss exercise 3. And today we will try to solve square roots. Students, square root आपको निकालना होता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं. बहुत हद तक वो सही भी है. बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्क्वायर रूट का टेक्निक है. और इसके थ्रू हम लोग किसी भी नंबर का, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, कोई नंबर रूट में हो, उसका वैल्यू हो, किसी भी नंबर्स को हम लोग स्क्वायर रूट के थ्रू उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. तो ये वही प्रोसेस है. तो चलिए आज हम लोग आते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ मैंने आपको बताया है 576 का स्क्वायर रूट निकालने. हालांकि यहाँ पर जो भी आंसर्स हैं मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बट मैं आपको पूरा टोटली इलेबोरेट करूंगा इसे, और आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल देखिए 576. तो स्टूडेंट हम लोग करते क्या हैं, इसके पेयर्स को फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो देखिएगा हम लोग राइट साइड से नंबर्स को चूज करते हैं. तो इधर से ये नंबर पेयर में हो गया तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, और ये नंबर सिंगल बच गया तो कोई बात नहीं है, सिंगल रह गया तो रह गया. हम लोग लेकिन पेयर बनाते हैं. पेयर बनाने के बाद अगर अनपेयर, जैसे यहाँ 3 digits हैं, तो इसके 2 pair नहीं बनेंगे, एक पेयर में होगा और दूसरा नंबर सिंगल होगा. अगर यहाँ 4 numbers 4 digit होते तो ये 2 2 का pair बन जाता, जैसा कि यहाँ बना है. तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं पहले. तो इसे पेयर में कर लिया, तो पेयर में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक लाइन देते हैं, इसे अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ 5 single है. तो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर कि ये जो 5 है इसे किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिसमें कोसेंट और डिविजर, कोसेंट एंड डिविजर दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए. जो हम लोग डिविजर लेंगे वही हम लोगों को कोसेंट भी लेना होगा, और वो इस नंबर 5 से छोटा भी होना चाहिए. इन 3 चीजों का ध्यान देंगे स्टूडेंट. जो कोसेंट होता है वही डिविजर भी होना चाहिए, और वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए. तो यहां पर 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा. अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, आपका जो कोसेंट और डिविजर है वही, तो जितने से आप डिवाइड करते हैं उतने ही डिजिट से यहां पर ऐड भी करते हैं. तो यहां पर 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया. ओके, नाउ स्टूडेंट अब यहां केवल 1 बचा है, तो हम लोग ये 7 नहीं उतारेंगे, बल्कि ये पूरे पेयर में नीचे आ जाएगा, और ये 7 6 पूरे पेयर में नीचे आ गया, और अब ये बन जाएगा 176. अब यहां हो गया है 4, यहां तो 2 है ही. अब कह रहा है क्या कि इस 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब यहां पर ऐसा क्या, कौन सा नंबर पुट करें जिससे कि ये या तो कट जाए या फिर इसे छोटा हो. तो अब ये 4 हो जाएगा टेंस प्लेस पर, यहां पर एक डिजिट हमको लेना पड़ेगा. अगर हम यहां 3 लेते हैं तो ये बन जाता है 43. तो हम लोगों को यहां भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोसेंट और डिविजर जो होते हैं वो सेम होने चाहिए. तो यहां पर जब हम लोग 4 लेते हैं तो ये बन जाता है 44. तो अब यहां 4 लेंगे तो यहां भी 4 लेना पड़ेगा. तो 44 × 4 जब करते हैं तो 176 आता है, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है. अब जो कोसेंट 24 आया वही इसका स्क्वायर रूट हो गया. इसे और बेटर तरीके से समझते हैं स्टूडेंट हम लोग. 6 × 4 = 1. अब यहां पर देखिए, जैसे कि नंबर ऑफ डिजिट्स सम है, इवन है, तो यहां पर 2 pair बन जाएगा, 62 का 1 pair, 41 का 1 pair. स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि जो नंबर हम लोग कोसेंट में लेते हैं वही डिविजन में लेना पड़ता है. तो अगर 8 8 लेते हैं तो 8 8 = 64 हो जाएगा, और वो ज्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को कम लेना है. तो यहां हो जाएगा 7 7 = 49. तो जब 7 7 = 49 लिए तो उसी 7 से यहां हम लोग ऐड भी कर लेंगे साथ ही साथ, तो ये बन गया 14. ये नंबर यहां 14 आ गया. अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 13. तो 14 से तो 13 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं. तो ऐसे में ये जो नंबर है 41 पेयर में उतरेगा. ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये पेयर में नीचे उतरता है. तो अब ये हो गया 1341. अब 14 के आगे कौन सा ऐसा नंबर पुट करें कि ये 1341 डिवाइड हो जाए. तो अगर इसे हम लोग 9 बार में पुट करते हैं तो ये हो जाता है 149, और यहां भी हो जाता है 9. सो 149 9 जा होता है 1341, और इस तरह से ये नंबर पूरा पूरा कैंसिल हो गया, वैल्यू आया 79. इसी तरह से हम लोग का 5 नंबर भी बनेगा 7056. अब यहां 70 है तो 8 8 = 64. हमने बताया कि जो कोसेंट यूज किया, डिविजर यूज किया जाता है, वही कोसेंट भी आता है, और उसी नंबर उसी डिजिट को हम लोग ऐड भी नीचे करते हैं. तो ये 16 हो गया, अब फिर डिवाइड करेंगे 84. तो इसी तरीके से स्टूडेंट आज आप इसके 1 to 12 नंबर तक सम बनाएंगे. और हाँ, हो सकती है इसे बनाने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप सभी उन क्वेश्चंस को पूछेंगे, मैं उन्हें आपके ग्रुप पर बता दूंगा. और रेस्ट सम हम लोग देखते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए आप सभी जस्ट पढ़ते रहें. टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स.